हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, मार्केट में कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो सब जानने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। आपको सिंपल तरीके से सबसे पहले जब आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो देख तो लीजिए कि दोस्तों कि वो वाला सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। और सेक्टर क्या होता है, जैसे दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल मेटल का सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग में भी प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, फाइनेंस का है, ऑयल का सेक्टर है। इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर होते हैं हमारे पास मार्केट में। तो कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस टाइम पे पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए। अगर आप पिछले 6 महीने की बात देखें दोस्तों, पिछले 6 महीने में अगर आप देखो कि सारे सेक्टर बिल्कुल नीचे गिरे। जनवरी से लेकर जून तक की अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे मीन्स ऑलमोस्ट सारे सेक्टर नीचे गिरे हैं बहुत बुरी तरीके से, 50-60% तक मिड कैप और स्मॉल कैप में तो इतनी गिरावट आई है दोस्तों। तो बहुत लोगों ने अपना पैसा डुबाया है। तो क्यों ना ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पर हम लोग जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके स्टॉक्स को चूज करके, जो स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उन पे उनका डेटा एनालाइज करके उन पे पैसा लगाया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हमें सबसे पहले क्या पता करना है कौन सा सेक्टर ने इतनी गिरावट में भी अच्छे रिजल्ट्स दिए, अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों। मीन्स इस टाइम पर उनका टाइम है दोस्तों, उन सेक्टर्स का टाइम है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम इस तरीके का है दोस्तों, उनको मार्केट का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा इतनी गिरावट का दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो में, कहाँ कहाँ से आपको डाटा एनालाइज करना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। चलिए दोस्तों, ये सिंपल सा moneycontrol.com है, उस पर हम देखते हैं। अगर आप सर्च करोगे मार्केट स्टैट के अंदर सेक्टर स्कैन है, ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिए सेक्टर स्कैन moneycontrol.com, तो आपको सीधे इसी पेज पे लेके आएगा दोस्तों। तो ये जो पेज है दोस्तों, अगर हम BSE की बात कर रहे हैं अभी, अगर आप देखो पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें, क्वार्टर टू डेट की बात करते हैं दोस्तों, तो इस क्वार्टर टू डेट में कितने कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों, अगर आप देखते हो कि देखिए, एक तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल का सेक्टर है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल का सेक्टर है जिसने 10% रिटर्न दिया है। बाकी देखिए दोस्तों, हर सेक्टर ने बिल्कुल नेगेटिव में गया, ऑटोमोटिव नेगेटिव गया, बैंकिंग फाइनेंशियल हल्का सा अप है फिर भी नेगेटिव है। उसके बाद देखिए केमिकल्स का डाउन है, कॉन्ग्लोमेरेट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डाउन है, नॉन ड्यूरेबल्स अभी थोड़ा अप है। IT का सेक्टर है जिसने अच्छा एक परफॉर्म किया। आप इसमें जाके हर सेक्टर वाइज भी डिटेल में देख सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है अच्छा गया हमारे सेक्टर में। सपोज हम गए सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में, गए सबसे नीचे है दोस्तों, देखिए फिर भी सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के ट्रेडिंग वाला थोड़ा सा ऊपर है। तो इस तरीके से इसमें हमारे पास बता देता है AD रेशियो कि कितने टोटल उस सेक्टर में कंपनीज थी, कितने एडवांस हुए, कितने डिक्लाइन हुए, कितने स्टॉक्स ऊपर गए, कितने नीचे गए दोस्तों। ये तो हम जैसे IT का स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम जाके IT के स्टॉक्स को डायरेक्टली देख सकते हैं दोस्तों। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 21% ऊपर गया है दोस्तों। ये सब चीज़ें एनालाइज करने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन बढ़ा देगा आपको। जैसे IT के सेक्टर ने 17% इंक्रीज किया, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल का 10% किया, बाकी सब में बहुत कम वो हुआ है। तो इस तरीके से ये तो हो गया सेक्टर की इन्फॉर्मेशन। आगे और डिटेल के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों। देखिए जैसे उसने कहा था कि इसमें एक और है, इसमें हम क्या करते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं। सपोज एब्रेसिव का सेक्टर है, एल्यूमिनियम का सेक्टर, इनकी कौन कौन सी कंपनी जिसने पिछले 1 वीक 2 वीक 1 महीना 3 महीना 6 महीना 9 महीना इस हिसाब से अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सारे सेक्टर्स इसमें हैं, सारे कवर्ड हैं। चलो अभी हमें कौन सा मिला था, IT सेक्टर का अच्छा परफॉर्मेंस दिखा था, तो हम IT सेक्टर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में जाते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वहाँ पे हमें दिख जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में गए तो हमने यहाँ से चूज किया। अब यहाँ से हमने कैसे देखना है दोस्तों, सिंपल तरीका है, आपको एनालाइज करना है डाटा को, सिंपल वेज में एनालाइज कीजिए। पिछले 6 महीने जनवरी से सब मार्केट में जनवरी से गिरावट है ना, तो जनवरी से उन स्टॉक्स को देखिए जिसने जनवरी पिछले 6 महीने और 3 महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिए हों, बाकी सब छोड़ दीजिए अभी। तो देखिए 3i इन्फोटेक नेगेटिव है ऑलमोस्ट, इसमें भी बहुत सारे नेगेटिव्स में देखिए। ये दोस्तों ये है 7C टेक है, इसने पॉजिटिव दिया है पिछले 6 महीने और 3 महीने दोनों का, देखिए जिसमें 25-30% का दोनों में ही इंक्रीज है, उनको हम चूज करेंगे। देखिए दोस्तों ये सीएंट है, सीएंट में थोड़ा सा अच्छा है, इसको देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसको ओपन कीजिए, अगले टाइम में और एनालाइज कीजिए, ऐसे ही नहीं इसको और एनालाइज कीजिए। फिर वैसे ही हमारे पास आ जाता है दोस्तों, ये देखिए नीचे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास इन्फिनिट कॉप है, इसने 85% दिया लेकिन 3 महीने में कुछ नहीं दिया। इन्फोसिस में लास्ट के 6 मंथ में 23% रिटर्न है लेकिन 3 मंथ्स में कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों L&T इन्फोटेक है, ये बहुत अच्छा है, दोनों में 3 महीने और 6 महीने के हिसाब से अगर देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। एम्फेसिस है, और उसके बाद हमारे पास NIT टेक है, NIT टेक ने बहुत अच्छा दिया, 3 महीने पहले जो भी 617 का था आज 1135 का है, 6 महीने पहले 617 था आज 1135 का है, 3 महीने पहले 932 का था आज 1135
प्राइस का है, ये सारा आपको डेटा देगा दोस्तों, आपको बस एनालाइज करना है। यहाँ पे आप चले गए, देखिए दोस्तों जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उनको चूज कर लीजिए। चलिए दोस्तों एक टाटा एलेक्सा ही है, टाटा एलेक्सा ने इसको ओपन करके हम देखते हैं अगले टाइम में। टाटा एलेक्सा ने देखिए 3 महीने पहले था ये 1000 रुपये का, आज ये 1300 का है, और 6 महीने पहले ये 900 का था। ठीक है दोस्तों, आगे TCS है। TCS दोस्तों आपको पता है बहुत भरोसेमंद कंपनी है, चाहे ये साल में 40-50% का रिटर्न दे, लेकिन इसका श्योर है कि हाँ ज़्यादा नहीं गिरती, बहुत है। अभी 1800 का ये ट्रेड कर रहा है, तो अगर इसमें बीच में अभी 3500 तक था तब ये, उसके बाद अभी इसका बोनस इशू है तो उसके बाद प्राइस एडजस्ट हुआ इसका। तो देखिए दोस्तों 6 महीने पहले ये 1279 का था, एडजस्टेड प्राइस है ये, और 3 महीने पहले ये 1400 का था और आज ये 1800 का, तो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसने दी है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप देखते हो सास्केन को, सास्केन देखिए दोस्तों 6 महीने पहले 658 का था और 3 महीने पहले 735 का था, आज ये 1100 के अराउंड का है, तो इसने भी बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे टाटा एलेक्साई को देखते हैं, आप नए टाइप में इसको खोल लीजिए उसको, और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, उसका मार्केट कैप कितना है, उसका EPS कितना है, उसका PE रेशियो कितना है, बुक वैल्यू कितना है, और उसके बाद आप उसके फाइनेंशियल्स भी देख सकते हो कि फाइनेंशियल क्या क्या हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, 323 देखिए, 342, 345, 375 बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न उसका देख सकते हैं, क्या उसका अभी तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा है, कितने म्यूचुअल फंड्स की उसमें होल्डिंग रही हुई है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एक हमने शेयर को देखा, फिर उसका ग्राफ देखना, तो उसका हम ग्राफ भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों पिछले 6 महीने में बहुत अच्छा रहा उसका, एक साल में भी बहुत अच्छा इसने वो दिया। तो ये देखिए अभी मार्केट उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो जनवरी में मार्केट गिर रही थी, ये स्टॉक्स बहुत अच्छा अपना कर रहे थे, थोड़ा सा हल्का सा डाउन आए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें अभी यहाँ पे मैंने सास्केन टेक्नोलॉजीज ओपन कर रखी है, देखिए दोस्तों सास्केन ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है मार्केट, ऑल दो ये स्मॉल मार्केट कैप इसका 1800 करोड़ का ही है, बट बहुत अच्छा इसने दिया है। EPS 48 का दे रही है, इंडस्ट्री पी जहाँ पर 21 की है तो इसके 22 की इंडस्ट्री पी है, और इसके अगर हम फाइनेंशियल्स देख लें दोस्तों, फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स, एक कंसिस्टेंट फाइनेंशियल्स रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए दोस्तों किस तरीके से है, बड़ा है बल्कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, हर बार बढ़ते जा रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो आपको दोस्तों ये बहुत हेल्प कर रहा है एनालाइज करने में कि कैसे कैसे कंपनीज डाउन मार्केट के टाइम पे भी कैसे कंपनीज ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों कि अच्छे जब मार्केट चढ़ती है उस टाइम पर तो हर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन गिरती हुई मार्केट में परफॉर्म करना मीन्स स्टॉक में कुछ तो बात है, उस सेक्टर में कुछ तो बात है, वो सेक्टर ग्रो कर रहा है दोस्तों, इसीलिए वो मार्केट चढ़ रही है। तो ये सब एनालाइज करना चाहिए आपको स्टॉक चूज करने से पहले, इसको एनालाइज कीजिए इस तरीके से, अपने अपने स्टॉक्स निकालिए, क्या पता आप भी कोई मल्टीबैगर निकाल लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।